यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। साथ ही बाढ़ प्रभावितों के नुकसान का जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री धारीवाल ने कहा कि चंबल रिवर फ्रंट कोटा में बाढ़ के हालातों में सुरक्षा कवच साबित हुआ है। रिवर फ्रंट पर बनाई गई प्रोटेक्शन वॉल से नदी किनारे बसी कई बस्तियों में तो बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर सका। वहीं कुछ बस्तियों में जो बाढ़ के हालात बने हैं उन्हें भी रिवर फ्रंट के दूसरे फेज के कार्य के बाद हमेशा बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने नयापुरा हरिजन बस्ती पहुंचकर क्षेत्रवासियों से बातचीत की और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री धारीवाल मोंटेसरी स्कूल नयापुरा पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावितों के लिए आश्रय स्थल बनाया गया है। यहां उन्होंने सुविधाओं के बारे में प्रभावितों से बातचीत की। तो पानी से जो है कुछ नुकसान हुआ है, कुछ मकानों का पूरा डैमेज भी हुए हैं कुछ मकान, और पानी भरने से जो है वो दीवार में सीविलन विलन वगैरह वगैरह ये सब आई हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा और एनजीओ के द्वारा और दूसरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सारा इंतजाम इस तरीके से बेहतरीन तरीके से किया गया है कि वक्त में खाना भी दे दिया गया है, सब कुछ दवा पानी वगैरह वगैरह सब का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी अभी आने वाले हैं, अभी 12 बजे करीब यहाँ आ जाएंगे, 12:30 बजे करीब। सर कितने बाढ़ प्रभावित होंगे, और आपने कहा है कि सर्वे के बाद हर जो बाढ़ प्रभावित सबका सर्वे होगा, जिसका भी जितना नुकसान हुआ है उसका सर्वे होगा, सर्वे में लिखा जाएगा बाकायदा। पिछली बार आपको ध्यान होगा तो 2019 में जब बाढ़ आई थी तो चार चार सर्वे करवाए थे, चार चार बार सर्वे करवाए थे, और करीब करीब 5,000 आदमियों को जो है वो पैसा दिया गया था, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई थी, 5,000 आदमियों को दी गई थी, इस बार तो खैर बहुत कम है। और जानकारी के लिए संवाददाता हरिराज कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिराज, यूडीएच मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, इस दरमियान क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल मानो, क्योंकि अभी ये यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में पहुंचकर जो बाढ़ से जो पीड़ित है उनका भी ये दौरा किया था, और मोंटेसरी स्कूल, चिल्ड्रेन स्कूल, हरिजन बस्ती सभी का उन्होंने दौरा किया है, और उचित मुआवजा देने की भी घोषणा करी है, क्योंकि 2019 में जो बाढ़ के हालात बने सफाई मचाई थी कुल मिला के अब ये वो हाल नहीं हुआ है, कम नुकसान तो कम हुआ है। अब यूडीएच मंत्री ने साफ कहा है कि क्योंकि ये रिवर फ्रंट बनने से ये सफाई कम हुई है। जी, यूडीएच मंत्री ने कहां कहां पर दौरा किया और उन्हें इस दौरे के दरमियान क्या कुछ महसूस हुआ है? बिल्कुल बानू, के भी उन्होंने ये जो हरिजन बस्ती नयापुरा शिवलाइन खेली फाटक स्टेशन ये सभी ये बाढ़ जो पीड़ित वहाँ पे हुए थे वहाँ का उन्होंने दौरा किया था और उचित मुआवजा देने की मांग की है। जी, क्या इसको लेकर सर्वे करवाया जाएगा हरिराज? बिल्कुल सर्वे करवाया जाएगा, और उन्होंने प्लस सभी जो जो ये मकान जाए गए थे बाढ़ पीड़ित वो उनका सर्वे पूरा करवाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिराज आपका तमाम जानकारी के लिए।